आत्मनिर्भर भारत एनर्जी सेक्टर में करने के लिए देश का सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन बेज यूरिया प्लांट का काम चल रहा है। काम आने वाले दिनों में गति से चले, देश यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, देश की अपनी संपदा ऐसे कोल उसका ही उपयोग करके उसमें से गैस का निर्माण करके यूरिया बनाया जाए, उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने तालचर में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का शिलान्यास किया था। काम गति से चल रहा है और अक्टूबर 2024 के पहले ये देश को समर्पित हो जाएंगे। कोल गैसिफिकेशन प्लांट से देश को फायदा ये होगा कि देश में पर्याप्त मात्रा में देश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए और गैस को अलग अलग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं। उसमें से ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो गैस कोल टू गैस टू यूरिया और यूरिया टू किसान, यानी कि हमारे किसानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी यूरिया की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जो आज यूरिया का उत्पादन देश में भी होता है और हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, लेकिन भविष्य में देश में ही यूरिया की रिक्वायरमेंट के अनुसार यूरिया का प्रोडक्शन हो, दुनिया पर हमें डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए देश में 5 नए यूरिया प्लांट लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया था। उसमें से 4 प्लांट लग के मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं और हमारे तालचर का प्लांट वो एक नई टेक्नोलॉजी का प्लांट था, कोल गैसिफिकेशन बेज प्लांट होने के नाते उसका निर्माण कार्य 24 दिसंबर 2024 के पहले पूर्ण होना है और इस दृष्टि से काम गति से चल रहा है।